नमस्कार गाइस, आज हम बात करेंगे कि आप अपने बिजली का बिल खुद कैसे निकाल सकते हैं और निकाल कर उसे कहाँ पे जमा कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैं आ चुका हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र में, ठीक है। अब फिर मैं यहाँ पर सर्च करूँगा ONLINE ऑनलाइन बिल, ठीक है। अब यहाँ से मैं सर्च कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पहले जो दिखेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे ऑफ़र, ठीक है, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है, आपको दूसरे वाले साइट पे क्लिक करना है जो ये वाला आपको दिख रहा है, ठीक है। ये वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके अकाउंट से रजिस्टर्ड है, यानी कि आपके बिल वाले अकाउंट से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो फिर आप इस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर आप इसी पर टिक अकाउंट नंबर पे ही टिक रहने देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, जो भी आपके बिल पे वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं डाल देता हूँ कोई दफंग का, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना होगा। कैप्चा कैसे फिल करना है यह ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर 6+6 इक्वल करके लिखना होगा, ठीक है। तो होगा 6+6 12 हो जाएगा, ठीक है। अब हाँ, यहाँ पर व्यू पे क्लिक करेंगे, फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अमाउंट दिया होगा जितना आपको जमा करना है, जितना आपका बिल आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देगा नाम, जिसके नाम पे कनेक्शन है उसका नाम दिया होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ड्यू डेट दिया होगा, कब से कब तक आपको जमा करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर वही सेम चीज़ होंगी। फिर आपको यहाँ पर एक होगा पे नाउ, आप यहाँ से जमा कर सकते हैं, ठीक है। और एक होगा व्यू बिल, तो इस पर हम व्यू बिल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आपको नीचे ऐसा आएगा कि डाउनलोड पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड होकर ऐसे इस टाइप का कुछ खुल जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका बिल कितना क्या क्या आया हुआ है, पूरा पूरा आपके सामने ये बिल खुल के आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप यहाँ पर जूम करेंगे तो आपको ऊपर अकाउंट नंबर मिल जाएगा, फिर दूसरे नंबर पर नाम मिल गया जिसके नाम पर ये बिल आपका रजिस्टर्ड है, यानी कि जिसके नाम पे ये बिल कनेक्शन हुआ है, ठीक है। फिर आपको नीचे आना होगा, यहाँ पे थोड़ा जूम करके इस साइड आपको यहाँ पे प्रीवियस डेट दिया होगा जब आपका बिल जमा किया गया था, ठीक है। फिर प्रीवियस रीडिंग दी होगी, दिए गए यहाँ पे जो दिया है प्रीवियस रीड दिया 1840, ठीक है। फिर करंट डेट दिया गया है 13 सितंबर 2021, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करंट रीडिंग दी गई है 1890, यानी कि 1840 1890 के डिफरेंस बीच में जो डिफरेंस आ रहा है आपका, वो है 50, यानी कि 50 यूनिट आपका चला। यहाँ पे डिफरेंस देखिए 50 यूनिट, यानी कि 50 यूनिट आपका चला हुआ है, ठीक है। तो भाई हमने यहाँ पे आपको पूरा पूरा बिल आपका डाउनलोड करके दिखा दिया, ठीक है। अब अगर आप इसे पे करना चाहते हैं किसी ऐप के थ्रू, तो मैं आपको बताऊँगा पेटीएम के थ्रू आप इस बिल को पे करें, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी सही होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि आप अपने ग्रामीण क्षेत्रों का कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।